उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर गांव में बीते कुछ दिनों पहले जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति अशोक सैनी की पीट पीट कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक अशोक सैनी को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद भी गुंडा प्रवृत्ति के आरोपी हथियारों के साथ अशोक सैनी व उसके बेटे देव पर दोबारा हमला करने व उन्हें जान से मारने की नीयत से अस्पताल में पहुंचे थे। वहीं इसके बाद मृतक अशोक सैनी की मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों व सैनी समाज के लोगों ने कोतवाली के बाहर शव को रख कर धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और लोको बाजार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि लोको बाजार चौकी इंचार्ज द्वारा मामले में लापरवाही करने और कार्यवाही ना करने के कारण ही अशोक सैनी की हत्या की गई है। सेनापति अपने कार्यस्थल से आ रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई 2 तारीख को रात को 2:30 बजे के करीब। और उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर भी हमले की कोशिश करी गई, तो वे दो जो अपराधी थे दो वो हमने तो खुद ही पकड़वाया। तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जब से कुछ भी मैं पुलिस की उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। वे कोई मुझे कुछ जानकारी नहीं दे रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब तो ये करे हाँ कर रहे हाँ कर रहे हाँ कर रहे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अगर कुछ नहीं होता है तो 12 तारीख को मैं धरने पर जाऊंगी, मैं वहाँ थाने में बैठूंगी और जब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं वहाँ तक उठूंगी नहीं। या तो मैं आत्महत्या कर पाऊंगी, आत्मदाह करूंगी, वहाँ वहीं पर रहूंगी। मैं पिस्टल भी बरामद नहीं है, लूट भी करके भाग गए पंकज और ये सब जो सदस्य हैं, और ना तो मोबाइल बरामद हुए और अभी तक ना पिस्टल और पैसे थे, कोई चीज बरामद की नहीं दिखाई। चौकी मांग करी थी लेकिन खाली उन्हें लाइन हाजिर करा गया, सस्पेंड उन्हें किया नहीं गया है बिल्कुल भी। और सारा सूत्रधार पंकज है, साजिश के तहत उन्हें मेरे हस्बैंड को फंसाया। चुनाव से ही तब से ये चलती आ रही है रंजिश, ये जमीनी विवाद कुछ नहीं है। जमीनी विवाद ने जानबूझ कर बनाया, मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे पास सारे एविडेंस। आज मजबूर होकर मैंने मीडिया को बुलाया ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे और सब मेरा साथ दे, मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करे। मेरे से कोई जानकारी नहीं दी जा रही, मेरे से कोई संपर्क नहीं करा जा रहा है। मुझे वहाँ तक गई भी लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ ये कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, बता देंगे जो भी होगा, जांच चल रही है। इसमें मैं चाहती हूँ कुछ कार्रवाई पंकज के, लेकिन अगर पंकज ऐसे वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, क्या इतना वो है कि पंकज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी, कि वो आज पूरे 7 दिन हो गए वो अभी तक वो इनकी पकड़ से बाहर है, क्यों हुआ ऐसा, क्या चीज़ है कि जो वो पकड़ से अभी तक बाहर है। अच्छा, मैं सारा सामान इन्हें अल्टीमेटम दिया था कि हम ये करेंगे 3 दिन के बाद, लेकिन अभी थोड़ा रोक दिया गया क्योंकि अभी वो उन्होंने 12 तारीख तक का फिर आगे टाइम ले लिया। चलिए यहाँ पे 3रे दिन बैठक हुई थी, उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दिया था, आज 5 दिन हो गया, 5वां दिन है आज, अब तक भी कुछ नहीं लिया गया। तो फिर हमने अब हमने धरना प्रदर्शन जो भी होगा 12 तारीख में होगा। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।